माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ नागपुर द्वारा 8 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर उमरखेड़ में प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने के लिए एक सम्मानजनक निर्णय लिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर 2018 से छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारोही प्रतिमा लगवाने के लिए संघर्ष समिति ने विभिन्न आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन तत्कालीन सत्तारूढ़ भाजपा, शिवसेना और एनसीपी प्रशासन निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं थे। प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी भी मिली थी। विवादित क्षेत्र में प्रतिमाएं स्थापित करने के निर्णय की मांग की गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा दर्शनी क्षेत्र के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में लगनी चाहिए, इसलिए स्ट्रगल एक्शन कमेटी ने कड़ा रुख अख्तियार किया था कि मूर्ति को वहां नहीं रखा जाना चाहिए। इसके लिए पिछले 4 साल से चल रहे विभिन्न आंदोलनों ने सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अंततः संघर्ष समिति सफल हुई और आदेश मिलते ही उमरखेड़ शहर में खुशी का माहौल बन गया। इसलिए शिवाजी चौक में शिवाजी महाराज संघर्ष समिति ने पटाखा जलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। कुछ ही दिनों में छत्रपति चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जिला परिषद की जमीन होय आम्ही लहान होतो गोपाल से तेव्हा आम्ही तिथे जेठमलजी माहेश्वरीला पाहिलेला आहे, तेव्हा आम्ही तिथे भाऊसाहेब मानेंना पाहिलेला आहे, तेव्हा आम्ही तिथे शिलार मामांना पाहिलेला आहे, हे लोक मुढे गुरुजींना पाहिलेला, जागीरदार साहेबाला पाहिलेला, हे लोक तिथे बसायचे, विजयराव नवीन कार्य करते होतो तिफन रहायची आपली जिल्हा परिषदची। 2022 हे IPL भाजपतर्फे दाखल करण्यात आली होती, त्या PIL मध्ये संघर्ष समितीला पार्टी करण्यात आलं नव्हतं। त्यानंतर संघर्ष समितीने असा निर्णय घेतला की आपण इंटरव्हेन्शन म्हणून त्याच्यात दाखल व्हावं, पण त्यानंतर विद्यमान उच्च न्यायालयांनी स्वतःहून संघर्ष समितीला त्यामध्ये पार्टी करण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर संघर्ष समिती त्याच्यात पार्टी झाली आणि संघर्ष समितीमार्फत वैभव पत्रे, ॲडव्होकेट वैभव पत्रे, जितेंद्र पवार व विनोद पाटील हे तीन वर्ष अमोल पाटील हे तीन जण त्याच्यात हजर झाले आणि माननीय जिल्हाधिकारी यवतमाळ हे या पुतळ्याचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांनी 29/4/2022 रोजी एक ठराव पारित केला आणि ठरावाच्या आधारावर विद्यमान उच्च न्यायालयांनी शिवाजी महाराजाचा अश्वारूढ पुतळा हा शिवाजी चौकात म्हणजे नगर परिषदले इथले 4 गाळे डिसमेंटल करून त्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजाचा अश्वारूढ पुतळा उभा करण्यासाठी विद्यमान उच्च न्यायालयाने आपल्याला परमिशन दिलेली आहे। VKB न्यूज के लिए यवतमाळ से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।